है सेकेंड हैंड बाइक पल्सर 180 जो कि ब्रांड न्यू है। इसके कंडीशन देख के आपको समझ में आ गया होगा, इंजन में कहीं भी एक भी पाना नहीं लगा हुआ, कहीं भी निशान नहीं है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 500 कुछ किलोमीटर चला हुआ है। इतने सस्ते में ये बाइक आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये है बुलेट जो कि 356 किलोमीटर चला हुआ है, ब्रांड न्यू बुलेट, शोरूम से अभी अभी जस्ट आया हुआ है, 10 दिन पुरानी ये बाइक है। इतने कम कीमत पे आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला भाई। ये है स्प्लेंडर जो कि चकाचक है भाई, 176 किलोमीटर चला हुआ है, यानी कि शोरूम से घर तक लाने में जो ड्राइव होता है वही का। ये है KTM ड्यूक जो कि चकाचक है, 20,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है और इसका कंडीशन आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इस मार्केट में क्या कुछ मिलता है। मैं हूं अभी मेट्रो स्टेशन पे और आज इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं जाने वाला हूं दुनिया के सबसे चीपेस्ट बाइक मार्केट में, जहां पे आपको आपके पसंद का सबसे सस्ता बाइक मिलने वाला है, चाहे वो हीरो होंडा का स्प्लेंडर हो, सिटी डिलक्स हो, सुपर स्प्लेंडर हो, ठीक है, या फिर आई स्मार्ट 3 हो, ग्लैमर हो, या फिर कोई सुपर बाइक जैसे KTM, बुलेट, हार्ले डेविडसन, बॉबर बाइक, कुछ भी जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं और आपने प्लान कर रखा है कि इस साल बाइक लेना है, तो आज इस वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मेरा मेट्रो पीछे आ चुका है, मैं निकलता हूँ और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, सीधे जाके अपने मार्केट में देखते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। चले पहुंचा हूँ निर्माण बिहार, और अगर आप मेट्रो से आते हो तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, निर्माण बिहार मेट्रो आपको आ जाना है। नीचे यहाँ से उतरते ही आपको ऑटो या फिर ई रिक्शा ले लेना है, 10 रुपया किराया है, आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने मार्केट की ओर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इंडिया के सबसे बड़े सेकेंड हैंड बाइक मार्केट में, ये है निर्माण बिहार और मैं हूं अमन मोटर के पास। यहां पे आपको KTM ड्यूक से लेकर पल्सर, अपाची या फिर यामा FZ स्कूटी, बेनेली या फिर बुलेट जैसे सभी बाइक्स आपको बहुत ही अच्छे बजट में मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बाइक्स लगे हुए हैं। अंदर चल के देखते हैं कि जो भी ऑनर होंगे उनसे मैं बात करके सारा डिटेल लेके मैं वीडियो को पूरा करता हूँ। तो कैसे हैं पाजी? तो आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियरली मैं आपको बताऊंगा, इनसे जब तक मैं बात कर लेता हूं सारे डिटेल्स लेके मैं आपको वीडियो में देता हूं। अब आते हैं पल्सर चढ़ने वालों के पसंद की ओर, जहां पे लोग जब पल्सर चढ़ना पसंद करते हैं, उनका कई वेरिएंट है पल्सर का। तो यहां पे एक नज़र आ रहा है जिसका मैं आपको प्राइस कंडीशन सब बताऊँगा। तो ये है पल्सर 180F, कंडीशन आप देख के आपको समझ में आ रहा हो कि इसके स्टिकर्स भी नहीं निकले हैं, तो काफ़ी अच्छे कंडीशन के होंगे। टायर से आपको और भी कंडीशन नज़र आ जाएगा क्योंकि टायर देख रहे हैं लाइक न्यू है, पूरा अच्छा कंडीशन में। और इसके ये देख लो, एग्जॉस्ट देख लो, ये भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में। कहीं से इंजन देख लो, एक भी बोल्ट आपको कहीं से इस पर वो पाना चढ़ता है ना, पाना तो निशान आ जाता है अगर इंजन खुला हुआ होता तो। ये एकदम नया बाइक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोई जो बेचा होगा वो मजबूरी बेचा होगा, इमरजेंसी में कोई बेच देता है कम पैसे में। इसका जो प्राइस है वो है 75,000 इनका प्राइस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑन टेबल आके बात करते हो तो काफ़ी अच्छे दाम में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2019 मॉडल है। अगर आप किलोमीटर की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मैंने घुमाया और ये प्राइस, ये आपको किलोमीटर दिख जाएगा। शोरूम से घर पहुँचने में जो 300 किलोमीटर लगा होगा मेरे ख्याल से, यानी 1-2 घंटे में ये बंदा चला के और इसने बाइक बेच दिया होगा। कोई रईस पैसे हैं लोगों के पास तो करते हैं, कोई बात नहीं है, अच्छे कंडीशन के बाइक हैं। और यार 75,000 इनका प्राइस है, अगर आप जितना चाहो कम करवा सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो यार इस प्राइस में इस कंडीशन के बाइक मिलना मुश्किल होता है, बहुत ही अच्छी डील है ये, बहुत अच्छी डील, एकदम न्यू भाई। कलर आप देखेंगे कार में तो कुछ नहीं बिग रहा है, एकदम चकाचक है, गंदा भी नहीं हुआ भाई साहब, ये गंदा भी चल के आया है उसी का गंदा है, बाकी कहीं कुछ नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा न्यू है। ओ माय गॉड, किसने बेच दिया भाई साहब, किसने बेच दिया ये न्यू बाइक, जबरदस्त।
किलोमीटर की बात करें तो 356 किलोमीटर चला हुआ है, 155,000 इसका दाम है, जो कि कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं। आप मार्केट में लेने जाते हो तो 230,000 235,000 आपको बुलेट लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है 155,000 इनका डिमांड है। अगर आप ऑनटे वाला की बात करते हो तो बहुत ही सस्ता मिल जाएगा आपको काफ़ी अच्छे दाम में। तो ये एकदम झकास डील है भाई साहब, एकदम झकास डील, 10 दिन पुराना बाइक आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी। ड्यूक 200, ये काफ़ी अच्छे कंडीशन का बाइक है, इसके अलॉय व्हील देख लो, और ये जो आपके सामने टायर रखा है इसकी कंडीशन बहुत हद तक सही है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना नहीं है। तो मैं आपको इसका मॉडल, इसके प्राइस, इसके कंडीशन सब कुछ मैं आपको बता दूं। पहले एक बाइक को, इस बाइक को अच्छे से देख लो आप। मॉडल की बात करें तो ये 2018 मॉडल है, और इसका जो प्राइस इन्होंने रखा है, इनका जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, वो है 125,000। आप सामने से आके बैठ के इनसे बात करते हो तो काफ़ी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और सामने अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, कितना किलोमीटर चला हुआ है मैं आपको दिखा दूँ। पंद्रह हज़ार किलोमीटर के आसपास ये यूज हुआ है, तो इस प्राइस में इस बाइक को आप खुद ही रेटिंग देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से और जो मॉडल है उसके हिसाब से। इंजन की तरफ आते हैं तो आप थोड़ा गौर से देखना इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, कहीं पे स्क्रेच तो नहीं है, कहीं पे पेंट जॉब तो नहीं ख़राब हुआ है, तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बाकी स्टिकर्स वगैरह हैं वो भी अच्छे कंडीशन के हैं, अच्छे हालात में हैं। और इधर अगर आप आते हैं सामने की तरफ तो इसके कंडीशन भी सही है, छोटे मोटे स्क्रेच तो आपको नज़र आ जाएंगे इस बाइक में, बाकी सही है। ओवरऑल अगर इस बाइक को हम देखें दूर से तो ये बाइक के अपने प्राइस को 125,000 जो है वो अगर आप कम करवा के तो आप पहुँचते हैं तो डील सही होने वाली है। पल्सर RS 200, इस कलर की डिमांड मार्केट में काफ़ी रही है। इसकी कंडीशन में सबसे पहले दिखा दूँ सामने के ये टायर, आप देख सकते हैं इसका कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छा है, और कभी ये व्हील कवर सही है, ये तो कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, स्क्रेच लेस है। 2016 मॉडल है, और इस बाइक का अगर प्राइस बोलें तो ये जो आस्किंग प्राइस होता है, जो इनका डिमांड होता है, वो है 68,000 यानी 68,000। ऑन टेबल आकर अगर बात करते हैं तो ये निगोशिएट हो सकता है, यानी कम करवा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर चलते रहते हैं। शर्त ये है कि आप इनके शॉप पे आएँ, बैठ के बात करें तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे चाबी ऑन हुआ और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा 18,000 किलोमीटर जो बाइक यूज़ होता है उसकी कंडीशन काफ़ी सही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। और पीछे की तरफ अगर आएँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है, आपको दिखेगा कि नहीं कि ये टायर पुराना है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर लगा हुआ है, यहाँ पे न्यू टायर लगा के दिया जा रहा है। एग्जॉस्ट भी सही है, थोड़े से स्क्रेच हैं, बट प्राइस को जस्टिफाई कर रही है भाई। 68,000 यानी 68,000 में ये बोला जा रहा है, अगर आपको यहाँ पे 10, 12 या 15,000 भी डिस्काउंट किया जाता है तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा ये बाइक। ओवरऑल ये बाइक मुझे सही लगी। एवेंजर स्ट्रीट, इसका प्राइस मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 45,000 रुपये इनका डिमांड है, आस्किंग प्राइस है। अगर आप ऑन टेबल आके शॉप पे बात करते हो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। से मारा मैंने की और ये किलोमीटर दिख जाएगा, 13,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है। उसके कंडीशन की बात करें तो एग्जॉस्ट आप देख ले सबसे पहले, कंडीशन आपको दिख रहा होगा। इंजन की बात करें तो इंजन की तरफ आते हैं, उसका कंडीशन आप देख लें तो ये इंजन खुली हुई नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से आपको बोल्ट जो है उससे आपको पता चलता है कि इंजन खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, तो सब कुछ सही है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बोल्ट देख लें, क्योंकि अगर इंजन खुलता है तो सारे बोल्ट पर निशान आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। पीछे की तरफ आते हैं, कंडीशन टायर के सही हैं। ओवरऑल ये बाइक के 40-45,000 में अगर आप लेते हो तो सही है यार, डिस्काउंट भी करा लो आप 30। एक ऐसा स्कूटी जिसने लोगों को तो पागल किया ही, जो कॉमन लोग हैं, बाकी यहाँ पे जो बॉलीवुड में भी ये काफ़ी धमाल मचाया था, वेस्पा। क्या गज़ब का लुक और क्या गज़ब का कलर ये प्रोवाइड करता है अपने बाइक में। इसका जो खास करके ये है मिट रेड, काफ़ी खूबसूरत कलर है। और ये जो बाइक है इसकी कंडीशन कैसी है, इसका बजट क्या है,
ये आपको कितने डिस्काउंट पे मिल सकता है, कितने किलोमीटर यूज़ हुआ है, कौन सा मॉडल है, मैं आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखते रहें। इससे सबसे पहले कंडीशन की बात करें तो कंडीशन ये टायर के मामले में सब कुछ सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा मुझे नज़र आ रहा है कुछ, वो आपको भी नज़र आ रहा होगा। और आगे की बात करें तो ये जो गार्ड है, व्हील गार्ड, इस पर कोई स्क्रैच नहीं है और ये काफ़ी इसका कलर भी सही है। और सामने की बात करें फ्रंट की, तो इसके कलर में कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है साहब। बाकी नंबर प्लेट में, तो नंबर प्लेट आप चेंज करवा सकते हैं अगर आप लेते हो तो। हेडलाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अंदर की कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, कंडीशन आप देख लिया आपने। अब मैं इसका प्राइस बता दूं, अगर आप मार्केट में ले जाओगे तो 1 लाख, 1,15,000, 1,20,000, 1,25,000 से शुरू होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है इसका। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपको 60,000 यानी 60,000 रुपये लगेंगे, ये इनका डिमांड है, ठीक है, 60,000 इनका डिमांड है। बाकी अगर डिस्काउंट करवा सकते हो। मॉडल की बात करें तो मॉडल जो है 2018 मॉडल है और 60,000 किलोमीटर यूज हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से मारा मैंने ये किक और ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 7,000 किलोमीटर यूज़ हुआ है, 7,000 किलोमीटर में कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसे मैं बंद कर दूँ तो बाकी आप कंडीशन देख लो, इसके एग्जॉस्ट देख लो यहाँ से। और अगर इसके सामने फ्रंट की बात करें, फुट स्टेप और सामने के लुक सारे कुछ चकाचक नज़र आ रहे हैं। बाकी पीछे के लुक भी सही है, पीछे के टायर्स आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे कंडीशन के हैं। अलॉय व्हील देख लो, आपको बेटर पता होता है लोगों को कि किस प्राइस में कौन सा बाइक लेना चाहिए और किस बजट का होना चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए, कंडीशन कैसी है, आपको बेटर पता होगा। तो एक नज़र देख लो आप। जस्ट फरोज में एक और यहाँ पे आपको डीप नज़र आ जाएगा 250, जिसका कंडीशन काफ़ी सही है। एक यहाँ है और इसके एक फरोज में, इसके प्राइस थोड़े कम है क्योंकि यहाँ थोड़ा आपको टायर का कंडीशन आपको दिख रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रैचलेस बाइक है, यहाँ पे हेडलाइट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सही है। इंजन की तरफ आते हैं तो इंजन में भी आपको कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है, यहाँ पे फिल्टर जो लगा होता है, या फिर इंजन खास करके इसका चेसिस होता है वो कलरफुल, इसमें अगर दिक्कत आ गई तो आपके बाइक का जो मज़ा है वो कम हो जाता है। इस बाइक के बारे में अगर डिटेल जानते हैं तो ये जो यूज़ हुआ है, यहाँ से आपको खुद दिख जाएगा 15,000 किलोमीटर यूज़ हुआ। और ये जो मॉडल है वो है 2017 से 2018 मॉडल है और 1,40,000 इस बाइक का डिमांड है। अगर आप ऑन टेबल यानी कि शॉप पे आकर बैठ के इनसे बात करते हो, अगर आपको लेना है तो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। खास करके अगर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ओवरऑल आप बाइक में आपको एक बार दिखा दूँ, एग्जॉस्ट कंडीशन सही है। बाकी आप खुद समझदार हो कि इस प्राइस में ये बाइक आपके प्राइस को जस्टिफाई करती है कि नहीं करती, आप बेटर जानते हो। आप नीचे कमेंट में बताना कि इस प्राइस में ये बाइक कितनी अच्छी है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है TVS जुपिटर क्लासिक। इस कलर में ये जुपिटर क्लासिक बहुत ही मार्केट में धमाल मचाया था, खास करके अपनी सीट को लेकर और इस सामने वाले फ्रंट को लेके। तो मैं इसका डिटेल बता दूं, इसके प्राइस बता दूं, कितना प्राइस है, क्या कुछ कंडीशन है और कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आते हैं तो। सामने टायर देखें तो इसके कंडीशन सही है, लाइक न्यू तो नहीं है बट काफ़ी अच्छे कंडीशन का मुझे नज़र आ रहा है। सामने देख रहे हैं थोड़ा मोड़ा स्क्रैच नज़र आएगा, बाकी ओवरऑल जो बॉडी पे है एक छोटा सा स्क्रैच यहाँ है, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसका प्राइस जो है इसलिए कम होने वाला है क्योंकि खास करके जुपिटर के मामले में अगर हम बात करें तो इसका प्राइस मार्केट में लेने जाओ तो 1 लाख तक का भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे इसको अगर आप लेना चाहते हो तो 48,000 इनका डिमांड है, वो कम करवा सकते हो। 2018 मॉडल है और किलोमीटर मैं आपको दिखा दूँ कि कितना चला हुआ है। लगभग 16,000 के आसपास ये चला हुआ है। तो 16,000 किलोमीटर में अगर आपको किस कंडीशन का स्कूटी चाहिए वो आप बेटर जानते हो। बाकी मैं आपको, मेरा जो सजेशन है वो ये है कि पहले आप सबसे पहले कंडीशन देखो कि आपका स्कूटी किस कंडीशन का है, पेंट जॉब कैसे हैं, कहीं से कोई स्क्रैच तो नहीं है, सामने के जो लुक हैं वो कैसे हैं। खास करके स्कूटी में ये होता है कि ये ना सारा प्लास्टिक का होता है, फाइबर प्लास्टिक होता है, तो इसमें सारे स्क्रैच आ जाते हैं तो वो बहुत ही गंदा दिखता है। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले अपने पसंद का, आपका जो बजट है उस बजट में ही जाएं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मेरे ख्याल से पेंट जॉब सही है,
छोटे मोटे स्क्रैच आपको नज़र आ जाएंगे। बाकी जो प्राइस है वो मैंने आपको बताया है कि आप देखो उसमें ये कैसा है। ओवरऑल मैं आपको एक बार बाइक का झलक दिखा दूँ।